तो देखिए, हाँ तो देखिए भाई, किसान भाइयों राम राम और सत श्री अकाल भाई सभी को। तो मैं हूँ अक्षय जाखड़ और आपका हमारे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज हम रिव्यू करेंगे कुबोटा के 5502 जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है ट्रैक्टर। तो ये सर आपको जानकारी देंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। धन्यवाद। मेरा नाम तेजपाल सिंह है और मैं कुबोटा कंपनी में एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहा हूँ। और आज हम आप अपने न्यू लॉन्च हुए ट्रैक्टर 5502 थ्री स्पीड हाई लो और मीडियम, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जो ट्रैक्टर आपके सामने है टू व्हील, तो इसमें क्या है सर, चार सिलेंडर इंजन है। अच्छा, चार सिलेंडर इंजन है। बिल्कुल सर, चार सिलेंडर इंजन है, आप देख भी सकते हो इस सेट से। ये देखिए भाई, शान भाई, इसके अंदर चार सिलेंडर इंजन है और हर पिस्टन के ऊपर चार बाल्ब हैं। अच्छा। यानी कि 16 बाल्ब इसके टोटल अपने इंजन में है। अच्छा, 16 बल्ब दिए हैं। 16 बल्ब दिए हैं और बिल्कुल। और जो कितने सीसी का इंजन है इसका? 2434 सीसी का इसका इंजन है। अच्छा, 2434 सीसी का इंजन। बिल्कुल सर। और इसमें क्या है, जो इंजन में जो पिस्टन में जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, अपने बिल्कुल सेंटर में जो है ना इग्निशन होती है फ्यूल की। अच्छा, सेंटर में होती है। बिल्कुल, इसमें क्या है साइड में नहीं होती, जिससे क्या है कि इंजन की मेंटेनेंस बिल्कुल कम होती है अपनी, कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा। अच्छा, बिल्कुल वो चीज़ है। और इसके एयर फिल्टर के बारे में बताइए सर। ड्राई टाइप का एयर फिल्टर है सर इसका। इसमें दो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी फिल्टर, नॉर्मल है दो फिल्टर। हाँ, और जी जो आपको जो सबसे आगे जो बैटरी दिख रही है ना, ये क्या है, ये 55 एम्पेयर की बैटरी है। और आप इसको स्टार्ट करना चाहें ना, इससे छोटी बैटरी से अपना ट्रैक्टर स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, छोटी बैटरी से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और सर इसके अंदर टर्बो वगैरह लगा है? बिल्कुल, ये टर्बो ट्रैक्टर है सर, पर इसमें क्या है इंटरकूलर नहीं है, सिर्फ टर्बो है जी। अच्छा, टर्बो। हाँ, ये क्या है, और अपना फोर व्हील में क्या है आगे बेवल गियर लगा हुआ है। बेवल गियर बिल्कुल बेवल गियर दिया है। इसमें क्या है कि जो कटाई है ना ट्रैक्टर की, वो मैक्सिमम लेवल तक हो जाती है। जितने भी ट्रैक्टर अपने, बाकी आपने ट्रैक्टर देखे होंगे और दूसरी कंपनियों के, उसमें क्या आगे क्रॉस होते हैं या प्लांटरी होती है, जिससे क्या होता है कि ट्रैक्टर की कटाई है जो सही नहीं हो पाती है। अच्छा। तो उससे क्या है पूरा ट्रैक्टर कटता नहीं है। तो इसमें क्या है कि अपना पूरा आप जो है ना इसको ट्रैक्टर की पूरी मैक्सिमम लेवल तक कटाई ले सकते हो। अच्छा, जैसे आप रेडियस। बिल्कुल टर्निंग रेडियस, जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे कोई अपना सिंपल आता है ना बिल्कुल बिना वो पावर स्टेयरिंग का, कैंची से वाला जो आता है 4/36, 16/10, 10/35, उससे भी ज़्यादा कटाई अपने इस ट्रैक्टर की है। अच्छा, 4x4। बिल्कुल। और सर इसके ट्रांसमिशन के बारे में बताइए। ट्रांसमिशन में इसमें क्या है, इसमें सिंक्रोमेस गियर बॉक्स है। जो आप सिंक्रोमेस मतलब यानी कि आप देख समझते हो गाड़ी वगैरह चलाते हो, कार वगैरह ना, जो उसमें ट्रांसमिशन होती है वही बिल्कुल गियर बॉक्स इसमें है अपने ट्रैक्टर में। बिल्कुल सेम टू सेम वही गियर है। आपने देखा भी होगा कभी, जैसे कि कई ट्रैक्टरों में क्या होता है कि अपन तीसरे से अगर दूसरे गियर में आते हैं तो क्या आवाज़ आती है, और अपन को RPM कम करके उसमें गियर चेंज करना पड़ता है। अपने में वो दिक्कत नहीं है। 12+4 का गियर बॉक्स है आपका, पूरी फुली सिंक्रोमस गियर बॉक्स है। आप जैसे हाई से लो में जा सकते हो तो कोई आवाज़ वगैरह कोई की दिक्कत नहीं आएगी। रिवर्स क्या है सर? अच्छा, जितने भी, हाँ जैसे इसमें क्या है हाई लो मीडियम और रिवर्स एक साइड है, और 1, 2, 3, 4 एक साइड में है वो चीज़। और इसमें क्या है प्लेंट्री हिस्सा है, प्लेंट्री तो बाकी सभी ट्रैक्टरों में और में भी प्लेंट्री आते हैं, अपने में भी प्लेंट्री है। और उसके अलावा अपना क्या है, इसमें अपन को ऑप्शन मिल जाएगी डबल पीटो लेना है और रिवर्स पीटो लेना है। जितने भी अपने ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, बहुत कम ट्रैक्टर में होता है कि फोर व्हील में रिवर्स पीटो आती है 55 हॉर्स पावर में। अच्छा। लेकिन अपने क्या ट्रैक्टर में आपको ऑप्शन मिल जाएगी, आपको रिवर्स पीटो लेना है, रिवर्स पीटो मिल जाएगा, डबल पीटो लेना। बिल्कुल सर, वो चीज़ है। इसके जैसे लिफ्ट के बारे में बताइए सर, कितने? 1800 kg की सर लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी। बिल्कुल सर, 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है। बाकी क्या है सर, इसका एवरेज का जो खर्चा है बाकी और ट्रैक्टरों से सभी से बहुत कम है। जैसे अपन बात करें, अपन नॉर्मल जो ट्रायल किए हैं अपने लेवल पे, जैसे और कंपनियों से अपन करते हैं, इसमें क्या है 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है। और प्लेंट्री ड्राइव है, प्लेंट्री ड्राइव मतलब पीछे वाला जो हिस्सा है भारी वाला, बाकी सभी ट्रैक्टर में प्लेंट्री आता है, ज़्यादातर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑयल ब्रेक है, बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम है। तो सर इसका जो पीटीओ है जी, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि कितने एचपी का पीटीओ और कितने गियर स्पीड के अंदर चल सकता है इसका? इसमें क्या है सर, इसमें डबल पीटीओ है, 2100 RPM पे आपको 540 ही मिल जाएगा, और 1600
750 भी मिल जाएंगे आपको। साढ़े सात सौ का भी 740 है इसके। एचपी पीटीओ पावर क्या है 31.4 वोट है, यानी कि अपन इस किलो वाट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4445 के आप हॉर्स पावर के आसपास आपको पीटीओ पावर मिल जाएगी इसकी। और इसके सर जैसे टायर की बात करें अपने, टायर इसके सर वही जैसे अपनी नॉर्मल बड़े ट्रैक्टर में चलते हैं 16x28 के टायर जो सुपर सीडर वगैरह के लिए अपने हैं वो चीज़ है। बाकी एवरेज की बात है, बाकी और ट्रैक्टरों के कंपेरिजन में अपना 2 से लेकर 2.5 लीटर का फर्क आता है और ट्रैक्टरों के एवरेज में कम खाएगा अपना, मतलब 2.5 लीटर जैसे जोंडर का 5310 हो गया, 3630 हो गया, स्वराज का हो गया 963 उसके मुकाबले में वो चीज़ है। हाँ ये अपना सर नॉर्मल टायर किए हुए हैं जो भी हैं। बाकी आपको किसी को भी अगर चेक करनी है एवरेज घर पे देखना है अपन को कुछ करना है तो कभी भी आप कभी भी डीलरशिप पे जाके अपन किसी भी डीलर से डेमो ले सकते हो। और आवाज़ दिखा सकते हो क्या आप? आवाज़ भी दिखाऊंगा आपको मैं इसको आगे वाले फोर व्हील कटाई भी दिखाऊंगा कैसे क्या है। तो भाई इसकी आवाज़ है वो टेस्ट करेंगे भाई 4x4 की। अभी देखिए स्टार्ट करेंगे इसको, ये देखिए अभी न्यूट्रल करके गियर को और उसके बाद में स्टार्ट होगा भाई। इसकी आवाज़ है जो चेक करेंगे अभी होगा स्टार्ट, न्यूट्रल नहीं था पहले। आवाज़ देखिए भाइयों इसकी कितनी शानदार आवाज़ है भाई, आरपीएम। और इसकी कटाई है वो भी आगे से, एक मिनट भाई साइड। आप देखो कटाई देखिए भाइयों, सबसे ज़्यादा कटाई है जो कंपनी कह रही है, दावा है इनका। और भी हाँ टर्निंग हाँ, तो कंपनी दावा करती है कि सबसे ज़्यादा कटाई है जो 4x4 के ट्रैक्टरों में इसी कंपनी। हाँ पूरी हाँ, तो देखिए भाई इतनी कटाई है जो ये ट्रैक्टर कर सकता है। देखिए तो भाई सबसे ज़्यादा कटाई है जो कुबोटा का ट्रैक्टर है ये, जो MU5502 ये कर सकता है भाई। तो देखिए काफ़ी अच्छा टर्निंग रेडियस है इस कंपनी के ट्रैक्टर का। तो भाई वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स, और पेज को फॉलो कर लें। तो लव यू ऑल, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।